झुंझुनू में गर्भवती महिला की दहेज के लिए हत्या के मामले में पति व ससुर को आजीवन कारावास, अपर सेशन न्यायाधीश ने सुनाया फैसला। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या एक झुंझुनू सोनिया बेनीवाल द्वारा आज गुरुवार को दिए गए निर्णय में दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति जुबेर, पुत्र फारूक व मृतका के ससुर फारूक पुत्र बशीर अहमद सब्जी फरोश निवासीगण मोहल्ला बटवालान वार्ड नंबर 27 झुंझुनू को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है। मामले के अनुसार 6 अगस्त 2017 को सबनम बानो पत्नी बशीर रहमानी निवासी वार्ड नंबर 26 झुंझुनू ने कोतवाली थाने में एक रिपोर्ट दी थी कि उसकी पुत्री मेहरुनिसा का निकाह 24 जनवरी 2016 को हुआ था। 4 अगस्त 2017 को प्रार्थिया की बेटी के ससुराल पक्ष ने उनकी बेटी की हत्या कर दी तथा उसकी बेटी उस समय गर्भवती थी। आज अपर जिला सत्र न्यायाधीश नंबर 1 में सरकार बनाम जुबेर का एक प्रकरण का फैसला हुआ। उसमें मुलजिमों के खिलाफ 5 धाराओं का अपराध था। नंबर 1 498A, नंबर 2 406, नंबर 3 201, नंबर 4 304B और 315 का चार्ज था, जिसमें मुलजिमानों को 304B में आजीवन कारावास, 498 में 2 वर्ष, 315 में 5 वर्ष का कठोर कारावास हुए। सभी धाराओं में अर्थदंड से दंडित किया गया, जिसमें मुलजिम 3 थे, नंबर 1 फारूक, नंबर 2 जुबे, नंबर 3 हुस्न बानो। इसी सारे अभियुक्तों को सभी धाराओं में दोषी मानते हुए उनको आजीवन कारावास की सज़ा दी। ट्रायल के दौरान अभियुक्त जुबेर की माँ श्रीमती हुस्न बानो की इस अन्वेक्षा के दौरान मृत्यु हो गई, उसके खिलाफ कार्रवाई ड्रॉप की गई। सीकर व झुंझुनू जिले में मोबाइल टावर से मशीनें चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश, सरगना सहित 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। झुंझुनू सदर पुलिस ने मोबाइल टावर से मशीन चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से वारदात में काम में ली गई ऑल्टो कार भी जब्त की है। पुलिस ने सीकर के बरसिंहपुरा निवासी सुरेश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद तथा ढाणी नाइंडोन तन मलिकपुर के महिपाल सिंह पुत्र कैलाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी बुधवार देर रात को झुंझुनू के बीबासर में मोबाइल टावर में लगी मशीनों को चुराने का प्रयास कर रहे थे। टावर में लगे सायरन बजने पर दोनों आरोपी गाड़ी को लेकर डिघाल की ओर फरार हो गए। घटना की सूचना गश्त कर रही पुलिस टीम को मिली। सूचना पर पुलिस ने आरोपियों का काफ़ी देर तक पीछा किया। गाड़ी को रोककर पूछताछ करने पर दोनों आरोपी घबरा गए। शक होने पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर गाड़ी को जब्त कर लिया। थाने में लाकर पूछताछ करने पर आरोपियों ने कई जगह से मशीन चोरी करना स्वीकार किया है। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने झुंझुनू व सीकर जिले में कई जगह चोरी करना स्वीकार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गैंग के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। जिले में चोरियां और डीपी चोरी और अन्य वारदातें हो रही, इसको लेकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार गश्त बढ़ाई गई है, जिसमें अलग अलग टीमें बनाकर प्राइवेट वाहनों से और सरकारी वाहन से गश्त की जा रही। इसी दौरान कल इतला मिली कि बीबासर में मोबाइल टावर से मशीन आती कीमती, उस मशीन को चुराने के प्रयास में 2 जने हैं जिनके पास एल्टो गाड़ी है। तो इतला मिली, इस इतला पर बीबासर टीम पहुंची और टावरों के पास पहुंची तो ये एल्टो गाड़ी से मुलजिमान भागने लगे, तो भाग के इनका पीछा करके पुलिस ने पकड़ा इनको। पकड़ने के पश्चात मोबाइल टावर कंपनी से मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज पर दोनों मुलजिमानों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने करीबन 15 से 20 वारदातें सीकर और झुंझुनू में किया जाना बताया है, जिसमें मुख्यतः श्रीमाधोपुर और खंडेला कस्बे में ज़्यादा से ज़्यादा वारदातें इन्होंने किया जाना कबूल की है। इनसे अनुसंधान चल रहा है और अन्य वारदातों के संबंध में और इनसे पूछताछ की जा रही है। लंपी रोग से गोवंश को बचाने के लिए गोरक्षक बने प्रसिद्ध समाजसेवी डॉक्टर मधुसूदन मालानी, चिड़ावा में नंदीशाला पहुंचकर किया श्रमदान। झुंझुनू जिले में गोवंश में लंपी रोग का कहर बढ़ता ही जा रहा है। गोवंश को मौत के मुंह में जाने से बचाने के लिए जिले के प्रसिद्ध समाजसेवी डॉक्टर मधुसूदन मालानी ने गोरक्षक बनकर इन बीमार गायों को बचाने का बीड़ा उठाया है। किसानों के मसीहा और गौ सेवक डॉक्टर मधुसूदन मालानी द्वारा लगातार पीड़ित गोवंश को बचाने के लिए जिले भर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत आज डॉक्टर मालानी चिड़ावा कस्बे की नंदीशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गोरक्षक अभिषेक पारिक व उनकी टीम के साथ श्रमदान किया तथा लंपी रोग से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
सबसे पहले सभी को जय गो माता जय गोपाल। जैसे कि आपको विदित है, नंदी गौशाला शुरू से ही काफ़ी यहाँ के लोग कार्यरत रहे हैं। अभिषेक पारिक जी और उनकी पूरी टीम निरंतर रूप से गौ माँ की सेवा में दिन रात तत्पर रहते हैं। और जैसा कि आज अभिषेक जी ने बताया कि लंपी के कारण यहाँ पे एक भी गौ माँ मरी नहीं है, जो एक बहुत बड़ी बात है। और एक अलग से लंपी के लिए वार्ड भी बनाया गया है, जिसमें लंपी से ग्रसित गायों को अलग रखा गया है। साथ ही यहाँ पे खूब साफ़ सफाई भी देखने को मिलती है। यहाँ पे गाय के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था बहुत सुंदर है। और जो टीम है उनको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि गौ माँ की सराहनीय सेवा के लिए वो दिन रात तत्पर रहते हैं। जी, तो जैसा कि आपको विदित है, लंपी बीमारी चल रही है, इसके लिए हम जगह जगह पूरे ज़िले में कैंप्स लगा रहे हैं। बनगोठी में लगाया था, जाखोट में लगाया था, सुल्ताना में लगाने जा रहे हैं, काजी में लगाने जा रहे हैं और इत्यादि। जहाँ जहाँ से सूचनाएं आ रही है गौ माँ की, हम घर घर जाकर लोगों के पशुधन को बचाने का हमारा पूरा प्रयास है और हम इसमें कार्यरत है। और आज यहाँ पे अभिषेक जी यहाँ पे श्रमदान करके हमको अति आनंद आया और अभिषेक जी का साथ मिला, यहाँ पे सभी युवा साथियों का, पूरी टीम का साथ मिला, प्रेम मिलता है, जिसके लिए हम यहाँ पे बार बार आते हैं। चिड़ावा पंचायत समिति क्षेत्र में 68 नए लंपी रोग के मामले आए सामने, 6 गोवंशों की हुई मौत, अभी तक 168 गोवंश की हो चुकी है मौत। चिड़ावा पंचायत समिति क्षेत्र में लंपी वायरस का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आज गुरुवार को 68 नए लंपी रोग के मामले सामने आए हैं, जबकि 17 गोवंश रिकवर हुए हैं। आज 6 गोवंश की मौत भी हुई है। चिड़ावा सरकारी पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सक डॉक्टर राजेश ने बताया कि आज गुरुवार को 68 नए लंपी वायरस के मामले सामने आए हैं, जबकि 17 गोवंश रिकवर हुए हैं तथा 6 गोवंश की मौत हुई है। अभी तक कुल 2040 गोवंश लंपी वायरस की चपेट में आ चुके हैं तथा 457 गोवंश रिकवर हुए हैं तथा अभी तक 168 गोवंश की मौत हो चुकी है। डॉक्टर राजेश ने बताया कि लंपी रोग को लेकर पशुपालक घबराए नहीं और इलाज के लिए पशुपालन विभाग एवं उनकी टीम को सूचना दें। लंपी स्किन डिजीज को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन। लंपी स्किन डिजीज को लेकर गांव इस्माइलपुर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पशुपालन विभाग की ओर से आयोजित इस शिविर में पशुपालन विभाग के संयुक्त निर्देशक डॉक्टर रामेश्वर सिंह व डॉक्टर सुरेश सुरा, चिड़ावा नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश सिंगला, पिलानी नोडल अधिकारी डॉक्टर शीशराम ने पशुपालकों को उक्त वायरस को लेकर विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इन्होंने कहा कि इस वायरस को लेकर पशुपालक परेशान न हों, समय पर इलाज करवाएं और कुछ सावधानियां बरतें, जिनको रखा जाए तो वायरस से भी लड़ा जा सकता है। लंपी वायरस रोग को लेकर पशुपालकों को विशेष चिकित्सीय जानकारी दी गई। शिविर में प्रभारी डॉक्टर रामजीलाल सैनी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान शिविर में सुरेश यादव, सुभाष, पृथ्वी सिंह ने सहयोग किया। इस मौके पर ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद रही।